तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए फिनोमिनल गुरुजी को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिनोमिनल गुरुजी चैनल। दोस्तों जैसा कि सैमसंग गैलेक्सी M51 में OneUI 2.5 का अपडेट आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पर बहुत सारे नए फीचर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट फीचर बताने वाले हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो नया फीचर है सिक्योर फोल्डर। सिंपली आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योर फोल्डर की जो सेटिंग्स वगैरह है ओपन हो जाती हैं। बहुत सारी आपको सेटिंग्स मिल जाती है इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, यानी कि सिक्योर फोल्डर में क्या क्या जो फाइल्स हैं आपको देखने को मिलती है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसकी एक पर्टिकुलर यहाँ पर ऐप आपको मेनू स्क्रीन में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर सिंपली आप इसे ओपन करेंगे दोस्तों, और तो यहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कंटेंट सजेशन है दोस्तों, गैलरी, कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट है, कैमरा है, इंटरनेट, माई फाइल्स और नोट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। बाकी इस पर कैसे फीचर वर्क करते हैं इस पर हमने जो डेडिकेटेड वीडियो इसके पहले बनाया था दोस्तों, तो वो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सारे फीचर इसके पता चल जाएंगे तो किस तरीके से आपको इसके फीचर यूज़ करने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड फीचर की। तो सिंपली आपको क्या करना है, बहुत सारे यहाँ पर आपको जो टास्क मैनेजर है उसमें आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। सिंपली आप यहाँ पर कई टास्क को जो है ओपन कर लीजिएगा, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा जो कि आप स्वैप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसे ओपन कर लिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आप टैप करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है स्प्लिट स्क्रीन व्यू का ऑप्शन। सिंपली स्प्लिट स्क्रीन व्यू पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में कर सकते हैं, और इसे स्वैप भी कर सकते हैं दोस्तों, आपको मिलता है स्वैपिंग का ऑप्शन। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी नया फीचर है जो आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 में देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करें तो ये है हैप्टिक फीडबैक का सपोर्ट, जो कि हैप्टिक फीडबैक के साथ आपको एडिशनल ऑप्शन मिलते हैं इसके अंदर। तो सिंपली आप साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल। सिंपली आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टच इंट्रैक्शन का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। यहाँ पर डायलिंग कीपैड में आप जो है फीडबैक को अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेविगेशन जेस्चर में आपको ये सपोर्ट मिलता है कि आप हैप्टिक कीवर्ड को इनेबल कर सकते हैं, और सैमसंग कीबोर्ड के अंदर भी मिल जाता है दोस्तों, तो इसे भी आप इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर जो है हैप्टिक जो इंट्रैक्शन है देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बैक जाते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है वाइब्रेशन इंटेंसिटी का ऑप्शन दोस्तों, वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑप्शन है सेट कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों और यहाँ पर आप जो रिकॉर्डिंग है स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कंट्रोल आप यहाँ पर इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और ये सारा कंट्रोल यहाँ पर हाइड हो जाता है। सिंपली आपको यहाँ पर टाइमर वगैरह देखने को मिलता है, तो ये सेटिंग आपको देखने को मिलती है जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलती थी। इसके अलावा दोस्तों आपको मिलता है वाईफाई के अंदर ऑप्शन। सिंपली आप यहाँ पर आएंगे वाईफाई के अंदर और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद आप जो भी वाईफाई यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आप यूज़ करेंगे सेटिंग्स का ऑप्शन दोस्तों, आपको मिलेगा QR कोड का ऑप्शन। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सेव एज इमेज और शेयर का ऑप्शन आता है। तो ये जो आपको ऑप्शन पहले नहीं आता था तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप किसी को भी अपना वाईफाई जो है शेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो सैमसंग कीबोर्ड ओपन हो जाता है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे फीचर देखने को जो पहले मिलते थे। यहाँ पर आप देखेंगे बिट इमोजी और यहाँ पर AR इमोजी को आप इनेबल कर सकते हैं, साथ में मोजी टॉक का आपको ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, और यहाँ पर आपको मिल रहा है कीबोर्ड का नया फीचर जो कि है स्प्लिट कीबोर्ड का ऑप्शन, जो कि आपको लैंडस्केप मोड में मिलता है। हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको यूज़ करना है, किस तरीके से वो सर्विस वर्क करती है। तो यहाँ पर आप दोस्तों मिल जाता है मोड्स का ऑप्शन, सिंपली मोड्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा स्प्लिट कीबोर्ड का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको कीबोर्ड देखने को मिलता है जो कि आप टाइप कर सकते हैं दोस्तों,
इसके अलावा दोस्तों आपको YouTube का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था किस तरीके से आप इनेबल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली वो ऑप्शन मिल चुका है, तो यहाँ से आप YouTube के जो वीडियोस हैं शेयर कर सकते हैं और आपको यहाँ से सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं AR इमोजी को, यहाँ पर आप डायरेक्टली जो इमोजीज वगैरह हैं शेयर कर सकते हैं, वो सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों बिट इमोजी के जो फीचर हैं आप यूज़ कर सकते हैं ऑलवेज ऑन स्क्रीन पर, इसके लिए आपको बिट इमोजी की जो ऐप है इंस्टॉल करनी पड़ेगी दोस्तों। तो इस पर हम डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे कि किस तरीके से आपको ऐप इंस्टॉल करनी है और वो सारे फीचर यूज़ करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।